किसानों का आंदोलन बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने लगाया है। ज्ञात हो कि कल सिंधु बॉर्डर पर शुरू किसानों के आंदोलन में एक बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए है, जिसको भाजपा की साजिश बताकर नवाब मलिक ने इसे किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन की जगह पर बैरिकेड से लटकी हुई एक लाश मिली, जिसका हाथ कटा हुआ है। हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। घटना सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो गए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार बीजेपी का प्रयास हो रहा था, कभी खालिस्तानी आंदोलन, कभी विदेशी हाथ की बात, कभी नक्सलियों का आंदोलन, धर्म से जोड़ा गया इसे, और आज जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे चीज़ें हुई, बीजेपी के आईटी सेल सक्रिय हो गए, एक शंका पैदा हो रही है कहीं आंदोलन बदनाम करने की दिशा में और एक प्रयास हो रहा है कि नहीं। हम चाहते हैं कि इसकी सच्चाई लोगों के सामने आए। इस तरह की हरकतें करके अगर कोई साजिश करता होगा तो इससे गंभीर विषय हो नहीं सकता।